हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्कोर अच्छा कौन नहीं करना चाहता, कौन बढ़िया मार्क्स नहीं लाना चाहता भाई, कौन अपने आप पे प्राउड फील नहीं करना चाहता, कौन टीचर की नजरों में उठना नहीं चाहता है भाई, कौन अपने माता पिता की नजरों में उठना नहीं चाहता, या फिर कौन अपनी क्लास में इंप्रेशन जमाना नहीं चाहता। भैया इंप्रेशन जमते हैं नंबर आने से। नंबर अब नंबर कैसे लाओगे? देखो दो तरह की बात है, एक तो बहुत हार्ड वर्क करो कि सब कुछ पढ़ लो सब कुछ पढ़ लो सब कुछ पढ़ लो, या एक स्मार्ट वर्क है कि इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। नहीं पढ़ना तो सब कुछ चाहिए लेकिन टाइम कम हो और इंप्रेशन जमाने का शौक हो, या फिर टाइम है फिर भी आप चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिल्कुल गजब जगह पे आए हो। यकीन मानो हमारे बच्चे 99, 100, 98 लाते रहते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो है कि हमें पता है क्वेश्चन कहां से डायरेक्ट उठ के आपके पेपर में आएगा। तो बेफिक्र रहो, अगर इस वीडियो को देखते हो और मेरे बताए हुए टॉपिक की प्रैक्टिस करते हो, यू आर गोइंग टू रॉक। तुम धूम मचा दोगे, फिजिक्स को तुम यही झुका दोगे, झुकाने के बाद जो मर्जी करो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। फिजिक्स नहीं झुक जाएगा, टेंशन मत लो, बस काम की बातें करते हैं, काम की बात। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू गेट 70 में से 70। अब मैं एक एक करके बताता हूं आपको चैप्टर वाइज। देखिए ध्यान से मेरे दोस्तों, यहां पर बड़ा मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल फिजिक्स नहीं झुकेगा, टेंशन मत लो। आज देखो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, देखो मैं आपको दो बातें बोलूंगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, एक बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम ज्यादा हो तो दोनों करना और टाइम कम हो तो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करना। देखो यहां पर अगर आप टॉपिक पढ़ते रहो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, यहां से आप कह सकते हो सिर्फ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कभी कभार एक क्वेश्चन 4 साल 5 साल में एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, तो लिख देता हूं MI, ये आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, MI लिखूंगा अगली बार से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहा हूं मैं, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां पर जाओगे तो भैया यहां से लेके भाई साहब यहां से लेके यहां से पूरा ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर इस चैप्टर से पेपर बना है ना तो आपको इनमें से ही क्वेश्चन दिखाई देगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट हो, एप्लीकेशन हो, न्यूमेरिकल हो, सब यहीं से बनने हैं। तो भैया इन टॉपिक्स में अपना टाइम खराब मत करना, यहां पर पूरी जान लगा देना, जान लगाना। और तुम्हें कम टाइम में सीखना है तो मैं आपको सही सलाह दूं, बिल्कुल सही सलाह अपनी तारीफ करते हुए, अगर आपको टाइम ज्यादा है तो मुनिल सर चैनल पे 4 घंटे की है वन शॉट, वो देख लो, और टाइम कम है ना तो मुनिल सर फिजिक्स पे जाओ, इस चैनल को टाटा बाय बाय करो, मुनिल सर फिजिक्स पे जाओ और चैनल का टाटा बाय बाय करो, ठीक है। मेरी बात समझे नहीं समझे तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा अब काम की बात करते हैं सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फटाफट पढ़ते हैं। नहीं इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं है। हाँ ये आपके आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटेगरी में आ गया, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, नहीं भैया, ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, भाई साहब आपको ना यहां से कॉम्बिनेशन वाले से इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखो, यहां से क्वेश्चन दिखाई देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर पैरेलल, कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यहां से लेके यहां तक का जो है यहीं से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस वाले कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल बनते हैं, देखो कैपेसिटेंस वाला कॉन्सेप्ट कहां है आपका पता आपको, देखो कैपेसिटर वाला यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरी बनते हैं, तो नीचे वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट विद एंड विदाउट डायलेक्ट्रिक वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पंगे नहीं पालना है, दोबारा बोल रहा हूं पंगे नहीं पालना है और टाइम है, तो मुनिल सर या मुनिल सर फिजिक्स चैनल पर जाओ, इन चैप्टर को देखो सब बढ़िया से कराया गया, टेंशन नहीं है, मुनिल सर या फिर मुनिल सर फिजिक्स में जाओ और न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। देखो आप ना एक काम करना, मुनिल सर फिजिक्स पे जाना, वहां पर 1.5-2 घंटे में चैप्टर खत्म किया है, न्यूमेरिकल भी करवाया कुछ, तो वहां से चैप्टर कर लेना और इस चैनल से न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना। एक काम करूंगा मैं, चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और न्यूमेरिकल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन नहीं है भाई, हम साथ हैं आपके, फिजिक्स झुकेगा और झुका के जो मर्जी आपकी मर्जी हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो काम की बात क्या है, यहां पर देखो आगे इलेक्ट्रिक करंट एंड यहां पर देखो ये सब ऐसी है, मजाक चल रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, ठीक है। मोबिलिटी, देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, ये वाले आपके आते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, देखो भैया रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक ना, रेजिस्टिविटी की डेरिवेशन वाला टॉपिक, रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में। उसके बाद टेंपरेचर डिपेंडेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये टेंपरेचर वाला आपका सिर्फ इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है और कोई काम नहीं है इसका। हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसका जो ग्राफ ग्राफ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, ये सब एक ही टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये सब एक ही टॉपिक है, ध्यान देना ये सब एक ही टॉपिक है, ठीक है। ये सब एक टॉपिक है, ये आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो आपको बस ये जानना है कि इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। अगर क्वेश्चन बनने के चांस है किरचॉफ लॉ से बनेगा, व्हीट से बनेगा, ड्रिफ्ट से बनेगा और आपको मैंने बताया एक रेजिस्टिविटी से बन सकता है। तो प्लीज जो बता रहा हूं उसका फॉलो करते रहो, धूम मचा दोगे, फिजिक्स को झुका दोगे, झुका के, ठीक है आगे बढ़ते। सो दोस्तों यहां पर क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो भाई साहब देखो ये आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, वाइट सावर्ट लॉ और ये वाला सर्कुलर लूप वाला। इसमें जो खास करके ना सर्कुलर लूप वाले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, न्यूमेरिकल के लिए आपको यहां देख सकता है। और टेंशन पालने की जरूरत नहीं, समझ में आए क्या करना है, मुनिल सर फिजिक्स या फिर मुनिल सर, दो चैनल है फिजिक्स के लिए, उन दोनों को फॉलो कर लो, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन क्यों लेना है यार, टेंशन क्यों लेना है, सिंपल है, बस टॉपिक देख लो कौन सा इंपॉर्टेंट है। फिर एम्पियर सर्किट लॉ, इट्स एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ठीक है। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है ये वाला टॉपिक, ठीक है।
ये वाला टॉपिक यहां से लेके यहां तक, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है ना। प्लीज इन टॉपिक्स का ध्यान रखना। आगे देखिए, टॉर्क एक्सपीरियंस लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लूप, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ये वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, और ये वाले जो लास्ट पार्ट है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन बनने का चांस है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चन दिखाई देंगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट भी कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करूं तो देखिए यहां पर है, यहां पर ये रहा, यहां से यहां तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये सब ऐसी है, करो ना करो बात बराबर नहीं आने वाला, क्वेश्चन भूल जाओ आपका। हाँ, ये छोटे मोटे इनके फॉर्मुले याद कर लेना, क्योंकि क्वालिटेटिव है, सिर्फ फॉर्मुले अगर मन करे तो याद कर लेना फॉर्मुले, वरना ये सब तो ऐसी है, मजाक है, फॉर्मुले याद करना और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुनिल सर चैनल पे जाओ, मुनिल सर मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, चलो प्लेलिस्ट दे दूंगा, देख लेना चैनल में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, कोई उसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, ये चैप्टर ऐसी हो जाएगा, कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब मैं हूं मेरे, मैं छोड़ो, आपको लग रहा होगा यार इसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है बंदा, आप शायद पहली बार देख रहे हो मुझे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बहुत मेहनत की है इसलिए थोड़ा सा विश्वास, तो विश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस में यही फर्क होता है। इतना क्वालिटी एजुकेशन में इतना बढ़िया, शायद कोई और भी लोग दे रहे होंगे पर मैं तो दे रहा हूँ, दे रहे होंगे बहुत सारे लोग। चलिए चलिए दोस्तों, ई एम आई फेराडेज़ लॉ आपके इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, लेंज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लेना, इसकी सारी डेरिवेशन कर लेना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की सारी डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस कह सकते हो कि सेल्फ वाला जो है ना, सेल्फ वाला वो सिर्फ इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, देखिए फेराडेज़ लॉ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लेंज लॉ और म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, छोटा सा चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके दो ही टॉपिक दिखाई दे रहे हैं आपको, तो प्लीज अगर टेंशन नहीं पालना है तो मुनिल सर चैनल पे जाओ और देख के खत्म करो, टेंशन अगर नहीं पालना है तो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, टेंशन पालना है, इधर उधर भटकते रहो, जब भटक के आप थक जाओगे तो प्लीज मेरे पास आना, बिलीव मी बहुत अच्छा कंटेंट है, जब आप भटको इधर उधर आपको लगे कि नहीं यार समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक बार निराश मत होना, यहाँ पे आना और एक बार करके देखना मेरे चैनल से, कुछ भी ऐसा अंदर से फील आएगा ना कि भाई मजा आ जाएगा एक बार बस, ठीक है। अब ध्यान दो प्लीज, यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको बता दूं, LCR रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, रिएक्टेंट एंड इंपीडेंस, किसका, जो LC और RC सर्किट होता है ना, तो रिएक्टेंस वाला इंपीडेंस वाला टॉपिक प्लीज कर लेना, रिएक्टेंस और इंपीडेंस टॉपिक प्लीज कर लेना, और RMS वाले तो ये RMS वैल्यू, रिएक्टेंस, इंपीडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। फिर आपका LCR सर्किट भाई साहब, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, रेजोनेंस, पावर फैक्टर ये रहा, पावर एंड पावर फैक्टर, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, यकीन मानो भाई साहब ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, ट्रांसफॉर्मर वाले से तो NCERT का एक एक विलेज वाला, टाउन वाला, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो अगर आप बोलोगे सर ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ नहीं आ रहा भैया, क्वेश्चन इनमें से कहीं ना कहीं से आ सकता है। अब तुम बोलोगे सर इसमें से भी बता दो बाप टॉपिक कौन है, देखो मैंने पहले बहुत कम लिखा हुआ है, इसमें से भी बता दो सबसे बाप टॉपिक कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर और LCR सीरीज सर्किट विथ रेजोनेंस, ये तीन है सबसे बाप टॉपिक, तो प्लीज प्लीज ये सब चीजें तो आने का आपको पता है चांस ही है, एसी जनरेटर डिवाइस है तो आ ही सकता है, मतलब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें मैंने आपको गिने चुने टॉपिक बताया, RMS, रिएक्टेंस, इंपेडेंस, LCR, रेजोनेंस, पावर, ये सब, ठीक है। जब आप रेजोनेंस में जाओगे तो आपको क्वालिटी फैक्टर ये सब पढ़ना है, ये नहीं कि रेजोनेंस का एक डेफिनेशन पढ़ के छोड़ दिया, भाई रेजोनेंस डिटेल में पढ़ो, और अगर टेंशन हो रही है तो दोबारा मुनिल सर को याद करो कमेंट में कि मुनिल सर एसी डाल दो, हुक्म दो मालिक, हुक्म दो एसी डाल देंगे, हुक्म दीजिए आप मेरे मालिक हो एसी डाल देंगे। अब मेरी बात सुनो, लास्ट अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन यहीं से आना ही रहा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, बाकी ये नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा यार, इतना कुछ नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो, इनके यूजेस, बस खत्म, इसमें यही पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ये तो ऐसी है, थोड़ा सा मान लो ऐसी है, ठीक है। जहां पर इसमें एक ये है, डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक आइडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एसी में थोड़ा ज्यादा टॉपिक बताया क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और इसमें वैरायटीज बहुत सारी है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा बताया, अदरवाइज जो टॉपिक मैंने आपको बताया है दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट में ये कहना चाहता हूं, पढ़ना हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया है और पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। आई होप आप मेरे साथ हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, नए हो तो एक बार चैनल को देखो, एक बार चैनल से पढ़ के देखो, आपको ऐसा मजा आएगा ना कि भाई ऐसा मजा कहीं नहीं आया होगा। और अगर आप मेरे पुराने बच्चे हो तो एक बार लिख दो कि आपको क्या चाहिए, और स्कूल का नाम लिखने के लिए मैंने कहा ही था क्योंकि मुझे पेपर एक डिजाइन करना है, वो बनाना है, PYQ सीरीज बनाना है, तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार, ट्राई कर रहा हूँ क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, बहुत सारा प्यार, अपना प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।